चलिए ये हम न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखें कि पी और क्यू के बीच में ये कैपेसिटेंस सी टू है, और इनके पैरेलल में ही, जब आप ध्यान से देखेंगे तो पैरेलल में ही ये सी वन है, और सी टू के ही पैरेलल में आप ध्यान से देखेंगे तो ये सी थ्री है। तो जो फिगर बनेगा हमारा, वो यहाँ पे ये बनेगा कि ये हम सी वन ले लेते हैं, ये सी टू ले लेते हैं, और ये सी थ्री ले लेते हैं। ये तीनों जो है कैपेसिटर, ये पैरेलल में है। ये इस तरीके से पैरेलल में है। C1 जो है इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफराड, C2 जो है यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफराड, और C3 जो है ये यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 5 माइक्रोफराड, और ये तीनों पैरेलल में है। इसलिए यहाँ आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएं, Cp इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो सी पी जो है वो हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफराड प्लस 3 माइक्रोफराड प्लस 5 माइक्रोफराड। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी वन सी टू और सी थ्री का, वो आएगा 10 माइक्रोफराड। और इन तीनों का जो रिजल्ट है, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सी फोर, ये जो है सी फोर, इसके साथ किस में है, सीरीज में। तो कुल मिला के इन तीनों का जो रिजल्ट आया वो तो क्या है, ये सी पी, और इस सी पी के साथ में सी फोर, ये सीरीज में है। तो यहाँ सीरीज का फार्मूला लगा देंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन CP प्लस 1 अपॉन C4। 1 अपॉन CP, अब CP है आपका 10 माइक्रोफराड प्लस 1 अपॉन CP की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफराड, वो लिख दी हमने। C4 की वैल्यू कितनी है, वो दी हुई है, वो है 10 माइक्रोफराड, ये है 10 माइक्रोफराड। तो C4 की वैल्यू भी 10 माइक्रोफराड। तो इसको जब आप हल करेंगे तो 1 अपॉन CS इक्वल टू 2 अपॉन 10 माइक्रोफराड, ये हो जाएगी 1 अपॉन 5 माइक्रोफराड। तो 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइक्रोफराड, CS हो जाएगा 5 माइक्रोफराड। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पॉइंट ए एंड बी के बीच में, वो 5 माइक्रोफराड होगा।